मेरा खाना बनाने का मन नहीं होगा तो यही आ जाएंगे। कीड़ा हो ठंडा कीड़ा। अच्छा भैया कीड़ा है दिखाने वाले हैं। बोले तो अभी हम लोग एंजॉय करने जा रहे हैं गरम गरम पराठे। कहाँ चलेंगे बताइए। अच्छा तुम तो एक्साइटेड ही नहीं हो रही। हेलो दोस्तों सलाम नमस्कार कैसे हैं आप। आई हो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक और ब्लॉग में आप सभी का वेलकम करते हैं। तो कल रात में नगमा से मेरी जो बात हो रही थी, हम लोग बैठे बात कर रहे थे, मूंगफली भी खा रहे थे, साथ में बात कर रहे थे कि यार हम लोग कुछ स्पेशल नाश्ता वगैरह नहीं बनाते हैं क्योंकि नॉर्मल डेली वही खाना जो भी होता है दाल चावल वही बनता है हमारे घर में, कोई स्पेशल चीज नहीं बनती है। मतलब जैसे पराठे, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हैं इसलिए पराठे वगैरह नहीं बनते। तो हमने कहा चलो थोड़ा सा चना सुबह बना दिया करो, चना भिगो दिया करो तो भी अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है, और कभी कभी पराठे भी बना दिया करो यार। तो अलग अलग तरीके के पराठे बनते हैं। तो आज बड़ी मुश्किल से नगमा ने कहा कि ठीक है आज चलो बनाते हैं पराठे। तो आज नगमा पराठे बना रही है, आपको दिखाएंगे। और आई होप कि आपने कल वाला ब्लॉग एंजॉय किया होगा, आबान का जो परफॉर्मेंस थी आपने उसको देखा होगा और अच्छा लगा होगा आपको, और उस पर कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कैसा लगा। और ये बन रहे हैं गर्मा गर्म पराठे। फिलहाल ये सुबह का नाश्ता नहीं है, हम नमाज पढ़ के आ चुके हैं, आज है फ्राइडे। ये खाने के टाइम का वीडियो है, ये पड़ा इसके ऊपर सरसों का तेल। बहुत शुक्रिया आपका जी। सब्जी नहीं बताई किस चीज की सब्जी। हाँ सब्जी आलू मटर की है, मटर टमाटर। हाय हाय हाय। अबान मियां क्या कर रहे हैं आप? चलिए बेटा खाना खाइए, चलिए आइए आइए। टिम यहाँ पे आए, जाग गई ये तो सो रही थी, जाग गई। सो अभी हम लोग एंजॉय करने जा रहे हैं गरम गरम पराठे और आलू और मटर की सब्जी। अबान भी इधर एंजॉय कर रहे हैं, बहुत गर्म है। वाकई में भाई पराठा बहुत ही क्रिस्पी था, बहुत मजा आ गया इसको खा के। और अब चलते हैं अपने स्टूडियो। स्टूडियो से आने के बाद मैंने नगमा को एक सरप्राइज दिया, नगमा एकदम शॉक्ड हो गई। तो अभी क्या है सरप्राइज आपको पता चलेगा। चलो भाई तैयार हो जाओ। कहाँ कहाँ चलेंगे? कहाँ चलेंगे बताइए। अच्छा तुम तो एक्साइटेड ही नहीं हो रही हो। तो बताइए तो कहाँ चलेंगे आप बताइए। हाँ मतलब थोड़े से एक्साइटेड हो जाओ कि हाँ चलना है कहीं, कहाँ चलना है। हाँ, पूछ ही नहीं रही हूँ कुछ। फिर आप क्या कहेंगे? अरे बहुत ठंडक लग रही है। ठंडक अब हम खुद कह रहे हैं ना जाने के लिए। सरप्राइज देते तुमको हम। उसके बाद कमरे में बैठ के चलो मूंगफली खाते हैं और मूवी देखते हैं, यही कहेंगे, यही कहेंगे ना बताइए। अरे कुछ सोच रहे दिमाग में चल रहा है, तुम मूंगफली की तरफ दिमाग तुमने मोड़ दिया हमारा। क्योंकि आप यही करते हैं ना। इसमें क्या है? इसमें देखिए हमने क्या इकट्ठा करके रखा है। ये क्या है? ये देखिए ये क्या रखा है? ये देखिए हमने क्या इकट्ठा करके रखा है। तो पिस्ते की वो है। हाँ, छिलके तुमने निकालिए इसे सारे। क्यों? निकालिए सारे निकालिए। और एक चीज और है इसमें और दिखाते हैं, निकालिए पूरा। ये देखिए हमने क्या ये लाए थे कल पिस्ता है ना, तो हमने खाया तो दिमाग में आइडिया आ गया भाई। कुर्ता मेरा फट गया इसको सिल दो यार। आज सिला था अभी हमने तो साइड नहीं देख, साइड फटी थी वो सिली हमने। और ये देखो हम क्या रखे हुए, इसकी तो हम सीनरी बनाएंगे बहुत खूबसूरत सी, बहुत अच्छी सी। और ये देखो हम क्या रखे हुए संभाल के, आपको कुछ दिखाने वाले हैं। खोले तैयार? ये देखिए तो भगवान के दांत है। हाँ देखा, ये वाला दांत देखिए आप जो है, ये वाला दांत, ये वाला दांत अबान का है जब अबान 4 साल का था। ये तब का दांत है अबान का, और ये दांत अभी अभी 1 साल पहले का है, और ये दांत अभी टूटा है अबान का। इसके तुम क्या बनाओगे? आप खुश नहीं हुए बताओ, इतनी संभाल के खुश तो हो गया। ये दांत हमने 4 साल का था तब का ठीक है ना, रखा है तुमने, अच्छी बात है ठीक है। तो भाई हमारी बीवी बड़ी टैलेंटेड है, और ये इसके पता नहीं कैसे बनाएगी, मुझे तो पता नहीं भैया। और ये अबान के दांत को इसने संभाल के रखा है। हमसे कह रही हम खुश नहीं हुए। खुश क्यों नहीं हुए भैया, लड़के का मेरा दांत है 4 साल, कितने साल, 6 साल पुराना साल का था। जो पुराना वाला 6 साल पुराना था। हाँ। तो यार चलो तैयार हो जाओ यार, चलते हैं कहीं। सही बताइए तो तैयार होंगे। तो मजाक समझ रही हम? मजाक समझ रहे क्योंकि आप मजाक करते हैं। पास में एक रेस्टोरेंट खुला हुआ है लेकिन हाँ देखा था तो। हाँ उस दिन जो हमने बताया था विशाल से आने में। हाँ वही वाला, तुमको वहाँ जाना था ना, तो वही चलते हैं आज डिनर करते हैं। भगवान अभी सुन नहीं पा रहे कि हम लोग कहाँ सुन रहे हो, हम लोग चल रहे हैं पेट पूजा करने के लिए। इनका क्या होगा? ये बैठी रहेंगी लेटी रहेंगी। तो भाई हम लोग चल रहे हैं अब रेस्टोरेंट। नगमा भी तैयार हो गई, अबान भी तैयार हो गया फटाक से, और मैं भी तैयार हो गया। और हम लोग ने प्लान बनाया कि बाइक से जाएंगे क्योंकि कोहरा हो रहा है। अभी आपको दिखाते हैं, बाहर निकलेंगे दिखाते हैं आपको। ये मेरा प्लान है, ये इनका प्लान है। ये ठंडक के कीड़ा है, आपको बता चुके हैं ना। तुम कीड़ा हो ठंडक? कीड़ा है। अच्छा भैया कीड़ा है ठंडक की।
टीम को हम लोग यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज। पता नहीं आपको दिख रही है क्योंकि जाली है ना यहाँ से, वहां से अंदर से झाग रही है, हम लोग को देख रही है। हम लोग अल्लाह हाफिज कर रहे हैं उसको। और ये देखिए मौसम ऐसा हो रहा है बाहर का, अभी कोहरा है कि धुआं है क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि बहुत ज्यादा धुंध है। सेम सेम जैकेट, मेरे पास सबके कलर्स की जैकेट है। अम्मा के नकाब का कलर ये रहा। चलो भाई चलो 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 चलो। तो भाई फाइनली हम लोग कालिका ढाबा पहुंच चुके हैं और यहाँ का वाइब बहुत ही अच्छा है। पहली बार हम लोग यहाँ पर आए हैं लेकिन आते जाते निकलते बैठते हम लोग देखते रहते थे इसको कि हमने सोचा था कभी ना कभी यहाँ पर आएंगे जरूर। और आप देखिए कितनी बढ़िया लाइटिंग है और बहुत जबरदस्त वाइब है, अच्छा लग रहा था यहाँ पे, बहुत ही सुकून था, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी यहाँ पे। रेस्टोरेंट बहुत सुकून वाला है यार, हमने तो सोचा ही नहीं था कि इतना सुकून रहेगा। तो अभी हमने ऑर्डर किया इनका स्पेशल जो होता है थाली 100 रुपीज की है, बहुत जबरदस्त होती है क्योंकि ऑनलाइन के यहाँ से हम लोग मंगाते रहते हैं तो उसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी देते हैं, सब्जी वगैरह। और अबान के लिए मंगाया है एक चिकन मसाला, अबान को चिकन खाना है। और स्टार्टर में हमने मंगवाया है चिकन फ्राई। तो आपको ठीक लग रहा है ना? मैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून है ना यहाँ पे। और हमने होटल देखे हैं बहुत ज्यादा भीड़ रहते हैं, ढाबे की तरह ही है, ढाबा नाम भी जैसे इसका है। अगर मेरा खाना बनाने का मन नहीं होगा तो यही आ जाएंगे खाना खाने। ओहो रास्ता पते होगा तब ना, हम लेके आएंगे ना उनको। ढाबे पे होता है हम लोग रुकते हैं ना, शो में जाते हैं तो वही वाला फील है एकदम। तो भैया काफी इंतजार के बाद हमारा पहला ऑर्डर आ चुका है, यानी हमारा स्टार्टर आ चुका है चिकन फ्राई। अब इसको हम लोग टेस्ट करेंगे। भाई नगमा को चिकन बहुत पसंद आया तो इस टाइप का बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग, बढ़िया लग रहा है यार। और आप सबको तो पता ही है अबान को चिकन कितना पसंद है, ये फुल्ली इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। और अब हमारी आ चुकी है स्पेशल थाली जो हम लोग ने ऑर्डर की थी, यहाँ की स्पेशल है और बहुत ही सादा और लाइट खाना है क्योंकि रात का वक्त था इसलिए ज्यादा हैवी नहीं खाना था। और ये आ गया अबान का चिकन। तो हम लोगों का खाना आ चुका है जैसा कि आपने देखा और इसको इंजॉय कर रहे हैं हम लोग, और बहुत ही टेस्टी खाना है इसका। तो हमें पता है कि खाना अगर अच्छा होता है क्योंकि हम लोग इसको ऑनलाइन ऑर्डर करते रहते हैं। तो अबान खा रहे हैं चिकन, अभी चिकन करी और हम लोग वेज खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें देखिए एक बड़ी वाली डक जो अबान खिलाने लगे तो उसको बाइट किया। मैंने कहा बेटा थोड़ा दूर रखना हाथ क्योंकि बहुत जोर से काटती है ये, क्योंकि मैंने पर्स को इसको दिया तो देखिए आप कितनी जोर से इसने बाइट किया। तो भाई खाना वाना एकदम फिट हो गया, खा चुके हम लोग और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। और रेस्टोरेंट से निकलने के बाद हमने लिया मूंगफली जो अबान की और मेरी और नगमा की सबकी फेवरेट है। तो अब सीधे चलते हैं घर यहाँ से। तो अभी टीम हो गई थी गुम, तो हमने कहा लास्ट टाइम तुम क्या कर रही थी, तो पता चला कि जो ये कपड़े रख रही थी तो अब पूरे घर में ढूंढ डाला हम लोगों ने। मैंने सोचा नकाब जैकेट वगैरह, इनकी फेवरेट ये बेल है ना, जब ये बजती है ना तो आ जाती है। तो इन्होंने क्या किया, जब कपड़े रख रही थी अलमारी खुली थी, अलमारी के अंदर घुस नीचे, हाँ नीचे के पोर्शन में बैठ गए, हमने बंद कर दिया। आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे कल। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा हमारी फैमिली से जुड़ने के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय, अल्लाह हाफिज, नमस्कार।